दोस्त है तुम्हारा? क्या नाम है? राहुल। कहाँ रहते हो? यहीं पास में। मुंबई में आज एक सनसनीखेज कत्ल हुआ। राहुल नाम के एक लड़के की कुचली और जली कटी लाश जुहू के एक अंधी गली में पाई गई। दो दिन पहले सर गंगाराम गर्ल्स कॉलेज में हुई सोनिया दफ्तरी की हत्या के बाद ये दूसरा हादसा है। इस हादसे में भी जो हत्या हुई है बिल्कुल उसी तरह हुई है। देखिए, अब तक इतना जाहिर है कि दोनों मर्डर्स के मोडस ऑपरेंडी सेम है, क्योंकि दोनों लाशों के गले पर जो चोट के निशान है वो एक जैसा, जैसे किसी जानवर ने इनको काटा। हमें कुछ सुराग मिले, हम तहकीकात कर रहे हैं, बहुत जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। ऐसे हर हादसे के बाद पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अक्सर इन दावों में दम नहीं होता। देखते हैं इस बार ये दावा कितना ठोस है। इस हादसे की और रिपोर्ट में हम फिर हाजिर होते हैं। मीनाक्षी शर्मा, RTV। जी, आप यहाँ इस वक्त? मैं पुलिस स्टेशन गई थी सोनिया के केस के बारे में पता करने, लेकिन वहां मुझे किसी ने कुछ ठीक से बताया नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गई आपसे पूछने। आप बैठने को नहीं कहेंगे? सॉरी, बैठिए ना। देखिए, अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम जल्दी केस सॉल्व कर लेंगे। केस भी तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। वही तो, लाशों को देखकर लगता है कि किसी जानवर ने उनको मारा है। और आप भी ने तो कहा कि आपने उसे देखा है, लेकिन यकीन नहीं होता, इतने बड़े शहर में इतना खतरनाक जानवर कैसे आ सकता है? तभी तो पुलिस डिपार्टमेंट ने एक केस आपको सौंपा है। आई एम श्योर कि आप जैसा होशियार और काबिल इंस्पेक्टर ये केस जरूर सॉल्व कर लेगा। डेफिनेटली, मेरा अभी तक 100% रिकॉर्ड है। वेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, शालिमा ट्रेवल्स। देखिए, मैं डॉक्टर धवन बोल रहा हूं, मुझे एक टिकट मुंबई का चाहिए, किसी भी ट्रेन से हो। एकदम खाने को भी फुर्सत नहीं। I'll just call you back. Yeah, hi. लिफ्ट मिलेगी? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए। कुछ बातें पूछी नहीं जाती, इशारों में समझी जाती। कभी कभी इशारों का मतलब गलत भी निकल सकता है। दिल मिल जाए तो कभी कभी गलत मतलब से भी सही काम मिल जाता है। देखें, आपसे हमारा दिल मिलता है या नहीं। कहाँ चलें? किसी ऐसी जगह जहाँ आराम से बात कर सके, कोई डिस्टर्ब ना करे। विद प्लेजर मैम, विद प्लेजर। लेट्स गो। अच्छी जगह है। अच्छी जगह है, आगे चलोगी तो और भी अच्छा होगा। रियली? ओह या, एब्सोल्युटली, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत घने जंगल है। यू लुक, यू सो डैम प्रिटी। कैन आई किस यू? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। इस घने जंगल में कौन देखेगा हमें? कम ऑन मैन, रुको। अब क्या? पहले अपनी आंखें बंद करो। व्हाई? यू वांट टू गिव मी सरप्राइजेस? आंखें बंद करो। ओके, कर ली। पिछले दिनों में जो 3 वारदातें हुई है उन्हें सॉल्व करना तो दूर, हमारे पास उनके बारे में कोई भी छोटा मोटा सबूत नहीं है। एक तरफ पब्लिक रेस्टलेस है और दूसरी तरफ सरकार की इंक्वायरी पर इंक्वायरी आ रही है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द कातिल आपके सामने होगा। आई होप सो।
अगर ऐसा ना हुआ तो इस केस का चार्ज मैं किसी और को दे दूंगा। राइट सर। बस ये मामला इतना ही है इंस्पेक्टर, आपको पता है वो बच्ची इस समय 19 साल की हो गई होगी। डॉक्टर धवन, आप जो बातें मुझे बता रहे हैं, मुझे सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी सीक्रेट फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है इंस्पेक्टर, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को मेरी बातें ऐसी लगेंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। That might be possible. लेकिन डॉक्टर, कानून सबूत मांगती है, मैं आपकी कहानियों पर कैसे विश्वास कर लूं? तो ठीक है, आप चलकर उस लड़की से बात कर लीजिए। आई एम श्योर कि आपके पास कुछ जरिए ऐसे जरूर होंगे जो ये पता लगा सकते हैं कि जब ये वारदात हुई तब वो लड़की कहां थी। वैसे भी आप सब कुछ तो ट्राई कर चुके, मेरे कहने से ये कोशिश करके भी देखिए। डॉक्टर, आप बार बार बिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गवाहों ने यह कहा है कि वो कातिल आधी औरत है और आधी शेरनी। इंस्पेक्टर, शेर, चीते, बाघ, तेंदुए, ये सब बिल्ली के जाति के ही जानवर होते हैं, इसीलिए उन्हें बिग कैट्स भी कहा जाता है। आपको इसका नाम याद है? नाम तो मैंने उन लोगों से पूछा नहीं था, लेकिन मैं उस घर को अच्छी तरीके से पहचान सकता हूं। ओके डॉक्टर, एक बार चलकर उससे मिल लेते हैं, फिर अगर मुझे आपकी बातों में सच्चाई मिली तो मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा। अरेस्ट कर लेंगे इंस्पेक्टर? आपको पता है उस लड़की के पास ऐसी शक्तियां हैं कि अगर आप उसे अरेस्ट भी करेंगे तो भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको उसे खत्म करना होगा और उसे किसी ऐसे मामूली चाकू, छुरी या रिवॉल्वर से खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर किसी को खत्म करने का और क्या तरीका होता है? उसे खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर एक खास खंजर की जरूरत है, जिसे मंत्रों से सिद्ध किया गया, जैसे कि ये। देखिए, ये मंत्रों से सिद्ध किया गया है। जी हाँ। और आप चाहते हैं डॉक्टर कि मैं उस लड़की को पकड़ूं और आप उसके छाती में यह घोप दें? नहीं इंस्पेक्टर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। ये काम मैं आप पर छोड़ूंगा। देखिए, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाए, आपको मेरी बातें ठीक लगे, तब खुद आप उसके सीने में यह खंजर उतार दीजिएगा, वरना मैं जहां से आया हूं वहां वापस चला जाऊंगा। ओके डॉक्टर, ये भी कोशिश करके देख लेते हैं। इंस्पेक्टर, यही वो घर है, आइए। मिस, देखिए एक मिस्टर शर्मा है, हमें जरा उनसे बात करनी थी। शर्मा जी? यहाँ पर कोई शर्मा जी नहीं रहते। पर पहले तो वो यहीं रहते थे। गए 14 साल से तो यहाँ पर हम ही लोग रह रहे हैं। उसके पहले अगर कोई आया होगा तो हमें पता नहीं। यहाँ आसपास कोई उनके बारे में जानता है क्या? यहाँ तो सब हमारे बाद ही आए हुए हैं। ओके, थैंक यू। आइए डॉक्टर। कहाँ ढूंढे उसे? एक तरकीब है डॉक्टर। क्या? उसने अपने सारे विक्टिम्स जुए एरिया से उठाए। अगर मैं भेस बदल कर उस एरिया में राउंड मारूं
तो हो सकता है वो मेरे जाल में फंस जाए। ठीक है, यही करके देखते हैं, लेकिन इस बारे में किसी को बोलना मत। सवाल ही नहीं उठता, तुमने मुझे इतना बुद्धू समझाया कि मैं ये बात किसी और को बताऊंगी, मगर ये आदमी है कौन? इज अ प्रोफेसर इन पैरानॉर्मल साइंस, डॉक्टर धवन। वो पहले मुंबई में रहते थे, अब जाकर कुछ सालों से लुधियाना में बस गए। मजे की बात यह है करिश्मा, दैट ही हैज मेट द गर्ल, उस लड़की से मिल चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें वो लड़की नहीं मिल रही। तो फिर अब तुम क्या करोगे? वो लड़की अपने शिकार जू से उठाती है, हमारा प्लान ये है कि मैं भेष बदल कर वहां राउंड्स मारूंगा, ऐसा करने से हो सकता है वो हमारी जाल में फंस जाए। ये लो। थैंक यू। और करिश्मा, तू इतने दिन से थी कहां? क्या बताऊं, बस पुलिस के साथ मिलकर इसी कोशिश में लगी थी कि सोनिया के कातिल का पता लग जाए। हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, पर मेरे लिए हादसा भूलना और भी मुश्किल है क्योंकि उस वक्त मैं उसके साथ थी। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा शौक था। मैंने कसम खाई है कि जब तक सोनिया के कातिल का पता नहीं लग जाता मैं चैन से बैठूंगी नहीं, मगर मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प? मैं क्या कर सकती हूँ? पुलिस ने एक प्लान बनाया, वो लोग तुम्हें एक कॉस्ट्यूम देंगे, उस कॉस्ट्यूम को पहनकर तुम्हें सड़क पर वेट करना होगा, और जब वो आदमी दिखाई देगा जिस पर पुलिस को शक है तब उसकी गाड़ी में लिफ्ट लेनी है। अगर वही कातिल निकला तो वो जरूर तुम्हारी कत्ल करने की कोशिश करेगा, तभी पुलिस आकर तुम्हें बचा लेगी। लेकिन मैं उस आदमी को पहचानूंगी कैसे? मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। मैं ये काम खुद ही कर लेती मगर मेरा चेहरा टीवी पे इतनी बार दिखाया जा चुका है कि लोग मुझे पहचानने लगे हैं, और वैसे भी तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। ओह, कोई भी आदमी तुम्हारी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। व्हाट रबिश। लेकिन अगर ये सोनिया के कातिल का सवाल है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। थैंक यू शबाना, तुम नहीं जानते तुमने मेरा काम कितना आसान बना दिया है। ठीक आ रही है, जल्दी जाओ जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज भी सब जगह जाओ। एक और पैसेंजर के लिए जगह खाली है गाड़ी में? गाड़ी में भी और दिल में भी। पैसेंजर कहाँ बैठे? दिल देने वाले तो सैकड़ों मिलते मिलते होंगे, लेकिन हमारे जैसे नहीं। बहुत घमंड है अपने आप पर। आजमा कर देख लो। All right, as you like it. जल्दी नीचे करो उस गाड़ी का। ऑटो जल्दी उस गाड़ी के पीछे लो। बहुत सुंदर जगह, आइए बताता हूँ।
अब तो सब कुछ खत्म हो गया डॉक्टर, अब क्या सोच रहे हो? हमने गलत लड़की को मार दिया। क्या? हाँ, अगर हमने सही लड़की को मारा होता तो मौत के तुरंत बाद वो बिल्ली बन जाती, लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आपने क्या किया डॉक्टर? एक एक बेगुनाह को मार दिया। तो मुझे क्या पता था, मुझे क्या मालूम था कि वो एक गलत लड़की है? मैं क्या कर सकता था? अरे आप तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, और जब मौका आया तो आपने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि जिसे आप ढूंढ रहे थे वो वही है या नहीं। आपको इल्म भी है आपने क्या किया? एक बेगुनाह की जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया और मुझे भी फंसा दिया। अब मुझ पर क्या क्या कार्रवाई होगी, मेरे करियर का क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया डॉक्टर, मैं बर्बाद हो गया। और सब वो आ रही है। अरे आप कौन आ रही है? वही जिसकी हमें तलाश थी, वही आ रही है। करिश्मा, तुम यहां? यही है वो। ये क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर? सठिया तो नहीं गए? ये मेरी दोस्त है करिश्मा, ये एक वही कातिल है। साहब आप फिर से कोई गलती कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, इससे पूछो इसका सरनेम शर्मा है कि नहीं है। हाँ है। तो सोनिया के कत्ल के वक्त तुम वहां मौजूद थे, तुम खुद मेरे घर आए और मुझसे दोस्ती बढ़ाई, तब से तुम मुझे गुमराह कर रही हो। शबाना, वो भी तो तुम्हारी दोस्ती है, तुम्ही ने उसे अपनी जगह में भेजा था। सही कह रहा है, यही असली कातिल। कुछ कीजिए, आपका खंजर कहाँ? वो तो मैंने तोड़ने के लिए किचन के सिंक में डाल दिया था। तो जाइए, जल्दी जाइए। लेकर आता हूँ। एम्बुलेंस,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।